गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मॉर्निंग वॉक यानी सुबह सुबह की सबसे बड़ी अपडेट रेलवे एनटीपीसी से संबंधित हम लेके आ चुके हैं। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट से संबंधित क्या अपडेट आया है उनकी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है और उसके साथ साथ में 2000 जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसका डिटेल फॉरम एक्टिवेट हो चुका है। अभी तक आप रिफंड की बात करें तो रिफंड आप जल्दी से प्राप्त, यानी आपके 31 अगस्त आपकी रिफंड के लिए अंतिम तारीख है। तो दोस्तों, अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई रिफंड के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अपडेट आया है, जो रिफंड के लिए अपडेट है वो आपके सामने अपडेट दे रखा है। रिफंड आप ले सकते हैं रेलवे के द्वारा। यहाँ पर अपना रोल नंबर टाइप करेंगे और डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा लॉगिन, आपकी जो आईडी है वो आपकी लॉगिन हो जाएगी। अब दोस्तों, रिजल्ट का अपडेट आया है, उस रिजल्ट के अपडेट से संबंधित हम आपको करेंगे। रोल नंबर ध्यान रखना है, रिजल्ट कब आएगा पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पर पहली बार है, रेलवे संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है रेलवे की ओर से, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट सबसे बड़ी खबर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ध्यान में रखना, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपके साथ में तैयार रखनी है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, याद कर लीजिए दोस्तों। देखिए, यहाँ पर एक जो न्यूज अपडेट आई है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो न्यूज अपडेट है, क्या सही है क्या गलत है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे 2021 ऑनलाइन सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट और कट ऑफ आपको जल्दी देखने को मिलेगी। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट और कट ऑफ 2000 जो नॉन टेक्निकल लगभग 35,000 भर्ती परीक्षा के लिए 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। ऑनलाइन एग्जाम दिसंबर से लेकर जुलाई 2021 तक 7 फेज में आयोजित करवाया गया है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ और रिजल्ट की अधिक जानकारी के लिए दोस्तों सितंबर, दोस्तों वेरी अगस्त देखिए, ये देखिए दोस्तों, अगस्त के बाद में सितंबर के पहले सप्ते में जारी होने की संभावना है। और ये अपडेट किसने दी दोस्तों, ये अपडेट बता देता हूँ दोस्तों, ये रेलवे के द्वारा अपडेट हमारे पास में आई है। तो ये अपडेट किसने, यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर भी साफ साफ दे रखा है कि पेश वर्ष का जो रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। और दोस्तों, यहाँ की भारत का सबसे बड़ा न्यूज चैनल आज तक ने यह कहा है 28 तारीख दोस्तों 28 अगस्त को कहा है कि 7 फेज के अंदर जो आयोजित हुई उसका रिजल्ट दोस्तों कब आएगा। ये डिटेल चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। यहां पर पूरी अपडेट दे रखी है कि रेलवे एनटीपीसी पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अब आपका खत्म हो जाएगा। 7 पेज में आयोजित होने वाली परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है, अब कैटेगरी वाई कट ऑफ और रिजल्ट जारी किया जाएगा। और दोस्तों, रेलवे की वेबसाइट के ऊपर आप रोल नंबर की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर एक और जो अपडेट है, उन्होंने ये भी अपडेट दिया है कि रेलवे के अंदर को जो आपका 7 फेज के अंदर रिजल्ट जो आयोजित हुआ, उनकी कोरोना के खतरे अप्रैल माह में फिर से एग्ज़ाम रोकना पड़ा और 31 जुलाई तक एग्ज़ाम करवाया गया है। तो दोस्तों, करोड़ों विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है और उनका अपडेट आया है। इसके बाद उम्मीदवारों को आंसर शीट प्रोवाइड की गई है। इस आंसर शीट पर उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज का मौका भी दिया गया है। रेलवे ने आपत्ति दर्ज के लिए लिंक बंद कर दिया गया है दोस्तों। अब आपत्ति के ऊपर विचार फाइनल आंसर की जारी होगी और उसके बाद में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि सितंबर के पहले सप्ते के अंदर दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड ने बताया कि संभवतः आपके सितंबर के पहले सप्ते में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उम्मीदवार को अपना एग्जाम रोल नंबर की मदद से और रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आप CBT 2 की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इसकी कट ऑफ क्या रही है, कट ऑफ क्या है, आपके जो मार्क्स है ना दोस्तों, आपके जो नंबर है ना, जो नंबर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, रिजल्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बारी बारी से रिजल्ट की जानकारी देते हैं, रिजल्ट कब आएगा पूरी रोजाना हम आपको देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।